ये सुंदर जी का एंट्रेंस गेट है। यहाँ से थोड़ी आगे चलते ही दोनों साइड गार्डन्स है और ये पूरा आगे चलने का पाथवे है। ये रहा अपना मेन गेट। अभी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है इसलिए हम साइड में से एंट्री लेते हैं। एक्चुअली ये यहाँ का एक्सिट है बट यहीं से अभी काम चल रहा है इसलिए हमने एंट्री ली है। एंट्री लेते ही सीधा यहाँ पे भोजनालय आता है और यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी है। बाकी से आप देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ है, बहुत ही कंफर्टेबल सीढ़ियाँ है। अगर आपको ये डूंगर चढ़ना है तो ये इतना ऊंचा आपको नहीं लगेगा। ये यहाँ की रोप वे है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल नजारा है। ये आप देख सकते हो ये सीढ़ियाँ है और दूसरी तरफ यहाँ पे झरने हैं जो ऊपर से नेचुरल वाटर आता है। वैसे ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक बार तो कंफर्म यहाँ पे विजिट करनी ही करनी चाहिए। वैसे मैं यहाँ पे तो 2-3 बार आ चुका हूँ बट मैंने सोचा था जब भी वीडियो बनाऊंगा तब पहला मैं यहीं का ही वीडियो बनाऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है। यहाँ पे एक सैंड माउंट भी है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक यहाँ पे इसके ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पे सच में ही बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पे आप एडवेंचर भी कर सकते हैं। ये अभी हम फाइनली डूंगर के ऊपर चढ़ चुके हैं। यहाँ पे आसपास में कई सारी दुकान्स लगी हुई है जहाँ पे आपको छोटे बच्चे के लिए खिलौने वो सब मिल जाएंगे, खाने पीने की कुछ छोटी बड़ी चीज़ें मिल जाएगी। और यह ऊपर आते ही सभी कास्ट के यहाँ पे गेस्ट हाउस है। अगर आप ऊपर आके एक रात रोकना चाहते हो तो भी आप रुक सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रहने की बहुत ही अच्छी सगवड़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आसपास दोनों ही तरफ गेस्ट हाउस है। फाइनली ये मेरा पहला व्लॉग है, इसे मैंने जितना हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश की है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी अच्छा लगता है इस वीडियो में तो आप हमारी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप किसी को ये जगह रिकमेंडेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फाइनली अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सुंदर जी का मंदिर है, यहाँ पे भोजनालय है। ये पूरी की पूरी भोजनालय है, ये बहुत ही बड़ी है। यहाँ फाइनली अभी हम सुंदर माता टेम्पल में दर्शन करके बाहर आ गए थे क्योंकि वहाँ पे अंदर पे कैमरा अलाउड नहीं है। अभी दर्शन करके यहाँ पे हम बाहर बैठे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा त्रिशूल है। ये मेरा पहला YouTube वीडियोस है। आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि नया वीडियो आपको इजीली अवेलेबल हो सके।